नो बेटा, पीएमआई से हमें प्रूव करना है 2^(3n-1) इज डिविजिबल बाय 7। फॉर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अगेन द सेम थिंग, n=1। नो बेटा, हियर सी, हियर 2^(3)-1-1 सॉल्व करने पे आ रहा है 2^3 8, 8-1 7, और 7 7 से डिविजिबल है, यही बात प्रूफ हो गई। अब n की जगह k रखेंगे बेटा और मान लेंगे सही है, लेट इट बी ट्रू। हम मानेंगे कि ये 7 का मल्टीपल है, हम मानेंगे कि ये 7 का मल्टीपल है, 2^3 k-1 7 का मल्टीपल है, मतलब 7m है, हमने मान लिया सही है। और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमारे को 2^3 k का, 2^3 k का वैल्यू आ गया, 7 का मल्टीपल है, प्लस 1 है बेटा। अब n की जगह k+1 रखेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये भी 7 का मल्टीपल होगा। तो n की जगह k+1 रखेंगे 2^3 times k+1-1। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम करेंगे स्टार्ट 2^3 k+2^3-1, 2^3 k a^b+c। a^b+c क्या होता है बेटा? a^b+c होता है a^b और a^c। तो ये क्या बनेगा? 2^3 k और 2^3-1। 2^3 k का वैल्यू हमने निकाल रखा है, वो कितना आया? 7m+1। तो 2^3 k की जगह यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 7m+1, और 2^3 बेटा 8 है, -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 +8 -1, और ये आ गया बेटा 56 + 7, और इसमें से 7 कॉमन आ रहा है बेटा, 7 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 8m+1। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि 7 का मल्टीपल है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, हैंस इट इज़ प्रूव दैट 2^3n-1 जो है बेटा वो 7 का मल्टीपल है। क्योंकि के भाई हमने के लिए सही माना था, n=k के लिए हमें माना था कि 2^3 k-1 7 का मल्टीपल है, और n=k+1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि 2^3 k+1-1 ये भी क्या है? 7 का मल्टीपल है। तो इट इज़ प्रूव्ड।